नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं TGT साइंस के चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम यहां पढ़ रहे हैं RHP टेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, और जिसमें हमने अभी तक बात करी है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। और प्रीवियस वीडियो में हमने एनिमेलिया के साइलेंट फीचर्स, उनके क्लासिफिकेशन, एग्जांपल्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में जाना था। और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, और साथ ही साथ हम जानेंगे साइलेंट फीचर्स विद एग्जांपल्स एंड इम्पोर्टेंस। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कॉर्डेट्स के बारे में। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यू हैव टू नो अबाउट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट या कॉर्डेटा एंड इन नॉन कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट्स मीन्स होता है जिनकी रीढ़ की हड्डी या जिनकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, वो सारे होते हैं आपके कॉर्डेटा, और जिनके पास नहीं होती वो सारे होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो यहाँ पे हम एनिमेलिया के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी कि जो जनरल फीचर्स हैं। तो प्लांट किंगडम के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था, और यहाँ पे हम एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक एनिमेलिया किंगडम के बारे में कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो पहला गाइज, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉप्स होते हैं। इनका मतलब क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दे हैव मल्टीपल सेल्स विथ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इनके पास बहुत सारी सेल्स होती है और उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है गाइज क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो क्योंकि एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो लोग इजीली मूव कर सकते हैं और इसी मूवमेंट के लिए उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियास में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, एडल्ट एनिमल्स डिवेलप फ्रॉम एम्ब्रियोज स्मॉल मासेस ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि जो डिवेलप होते हैं, जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं, वो एम्ब्रियोज से जनरेट होकर काफ़ी बड़े, और एम्ब्रियोज क्या होते हैं जनरली, दीज आर स्मॉल मासेस ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का कुछ गुच्छा होता है, इसे ही एम्ब्रियो कहा जाता है एक सिंपल टर्म में अगर देखा जाए तो। तो उस एम्ब्रियो से आगे चल के एडल्ट एनिमल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंपल एनिमल्स कैन रीजनरेट और ग्रो बैक मिसिंग पार्ट्स, यानी कि जनरली एनिमेलिया के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स अगर कट जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं तो फिर वहां से वो दोबारा रीजनरेट कर जाते हैं। बट मोस्ट एनिमल्स इंजेस्ट देयर फूड एंड देन डाइजेस्ट इन सम काइंड ऑफ इंटरनल कैविटी, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर एक इंटरनल कैविटी होती है, उसी में फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जिसको सीलोम या फिर स्यूडोसीलोम, कई सारे टर्म्स हैं, उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एनिमेलिया के, वो एक स्पॉट पे अटैच्ड होते हैं, यानी सेसाइल होते हैं, यानी बिना स्टॉक के मूव कर नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल होते हैं। तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल सेसाइल, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पे रह के मूव कर सकते हैं, ठीक, यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते, अपनी जगह पे रह के मूव कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सेसाइल एनिमल्स कैन मूव एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ देयर बॉडी, कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी को मूव करा सकते हैं। प्रिमिटिव एनिमल्स जो होते हैं इनमें एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन निडेरियंस जो होते हैं या काइनोडर्मेट्स होते हैं, वो इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री क्या होती है चलिए देखते हैं, क्योंकि कई बार मन एक डाउट सा रहता है सबके मन में। तो सिमेट्री मीन्स होती है गाइस, दो जो आपकी बॉडी की बनावट होती है। तो रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है चलिए देखते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बीच में एकदम बीच से काटते हैं, तो जितना ये ए साइड है उतना ही अगर बी साइड हो, बिल्कुल सिमिलर और मिरर इमेजेस एक दूसरे की, तो वो होगी आपकी बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को यहाँ बीच से काटा और ए वाला जो है बी से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, यह थोड़ा बहुत अलग है, मान लीजिए यहाँ 3 टेंटिकल्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो वो कहलाएगी आपकी रेडियल सिमेट्री। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए फाइलम पे आते हैं। तो पहले फाइलम पे हम बात करेंगे, वो है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का जो हैबिटेट होता है ये सॉल्ट वाटर में, यानी कि सलाइन जो मीडियम होता है इनके हैबिटेट का, वो होता है। और दे कैन लिव इन फ्रेश वाटर टू, फ्रेश वाटर में भी और सलाइन वाटर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जोस्केलेटन इनके पास जो होता है स्पिक्यूल्स का बना होता है। स्पिक्यूल्स जो होते हैं गाइज, वो कार्टेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं स्पॉन्जिन्स की बॉडी वॉल के ऊपर, जैसे इनकी बॉडी वॉल है स्पिक्यूल्स की, तो सॉरी स्पॉन्जिस की, तो इनकी बॉडी पर छोटे छोटे कार्टेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ऐसे। और ये जो उनका मुंह होता है उसे ऑस्कुलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
सेसाइल होते हैं, मतलब एक ही जगह पर रहते हैं, मूव नहीं कर सकते। और फिल्टर फीडर्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी ऑर्गन टिश्यू लेवल या टिश्यू लेवल की इनकी बॉडी डेवलप होती है, कोई भी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, ठीक है ना। और जो इनके स्पिक्यूल्स होते हैं वो स्केलेटन के बने होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो नहीं होता, और ये ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के थ्रू ये मूव करते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन, तो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लोकोमोशन, दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ लोकोमोशन, ये सेसाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं करते। हार्ट, तो इनके अंदर कोई हार्ट प्रेजेंट नहीं होता। आर्टिक आर्च, जब हार्ट नहीं है तो आर्टिक आर्च भी नहीं होगी, ठीक है, आर्टिक आर्च। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, कभी कभी एक सेक्सुअल भी देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फाइलम निडेरियंस, तो निडेरियंस का एग्जांपल है जेलीफिश, कोरल और सी एनिमोन। तो निडेरियंस का जो हैबिटेट होता है वो होता है फ्रेश वाटर और सेलाइन दोनों, मोस्टली सॉल्ट वाटर में ही ये फाउंड होते हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन, तो इनके पास कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता, और ना ही एनी काइंड ऑफ शेल और बोन इनके अंदर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल चिपचिपे से जेली लाइक होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। लोकोमोशन, तो ये मूव करते हैं टेंटिकल्स के थ्रू, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जेलीफिश है, ये सी एनिमोन है, तो ये अपने टेंटिकल्स के थ्रू मूव करते हैं। हार्ट, तो इनके पास भी कोई हार्ट नहीं होता, पोरीफेरा की तरह। ऑर्टिक आर्च, जब हार्ट नहीं है तो ऑर्टिक आर्च भी नहीं होगी। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो दे कैन रिप्रोड्यूस बाई सेक्शुअली और एसेक्सुअली बोथ। फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल, अच्छा यहाँ पे एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो होती क्या है एग्जैक्टली गाइस, जब बाहर बॉडी के फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक, यानी स्पर्म और ओवम अगर बाहर जाके फर्टिलाइज कर रहे हैं बॉडी के, तो वो एक्सटर्नल हुई। अगर ह्यूमंस की तरह, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन ओवम यूट्रस की वॉल्व यानी जो आपकी फेलोपियन ट्यूबुल होती है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है निडेरियंस का, कि इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। अभी हमने बात करा रेडियल सिमेट्री, वो क्या, जर्म लेयर्स टू होती है, यानी कि एंडो जो जो इनकी आउटर लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, और अंदर की जो होती है वो होती है, ठीक है, एंडोडर्मिस। और जो इनके एंडोडर्मिस है उनको हम गैस्ट्रोडर्मल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता, सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती है, मूवमेंट नहीं करते हैं, ससाइल होते हैं और प्रीडेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, या जिन्हें जिनमें स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें नीडोसिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं फाइलम मोलस्का, तो मोलस्का मीन्स चिपचिपे सारे ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, जैसे कि स्नेल्स, स्लग्स, ऑक्टोपस, तो वो सारे होते हैं मोलस्का। तो मोलस्का हैबिटेट कैसा होता है, मोलस्क लिव इन फ्रेश वाटर जनरली, सॉल्ट वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं, और इनका जो जनरली जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल है, यानी कि वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर मोस्टली वो सब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन जो मोलस्क का होता है वो शेल या फिर स्नेल जैसे स्नेल्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर जो शेल होती है ये, ठीक है, यही इनका एक्सोस्केलेटन होती है। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज एंड शेल इज देयर टू प्रोटेक्ट इट, इनकी जो बॉडी होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, और इनकी जो बॉडी है इनको शेल के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करी जाए तो दे कैन रिस्पायर बाय गिल्स, जैसे फिशेस में गिल्स होती हैं, तो फॉर द वंस दैट रिसाइड इन वाटर एंड द वंस दैट लिव इन लैंड, यानी कि उनके पास गिल्स होती हैं, पानी में रहते हैं तो पानी से वो रेस्पायर करते हैं, और अगर लैंड एरिया पर रहते हैं तो उनके लिए अलग वहाँ पर होती है, जैसे साइफन्स और मेंटल कैविटी जो होती है वो। लोकोमोशन, तो इनका लोकोमोशन होता है मसल्स या फूड के द्वारा। आपने देखा होगा कि जो स्नेल्स होती हैं उनके जो नीचे होता है वो इस टाइप का मूवमेंट शो करती है, ठीक है, इस टाइप का, तो इसके थ्रू वो मूव करते हैं। ऑक्टोपस भी आपने देखा होगा, तो काफ़ी इस टाइप का मूवमेंट शो करते हैं। हार्ट, तो जो मोलस्क होते हैं उनके पास एक हार्ट होता है, और हार्ट है तो एक आर्टिक आर्च भी होती है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जनरली सेक्सुअल, और फर्टिलाइजेशन जो होती है कि सम केसेस में एग इज़ फर्टिलाइज इनसाइड द फीमेल, बट इन मोस्ट स्पीशीज द एग इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द फीमेल एंड फर्टिलाइज एक्सटर्नली। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जैसे सॉफ्ट बॉडीज होते हैं, हमने बात करी, चार पार्ट्स इनकी बॉडी चार पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, फूट, ठीक है, फूट, और दूसरी है मेंटल कवरिंग, ठीक।
उसके बाद है शेल, तो शेल होती है इनकी जो क्रिएटेड बाय मेंटल लास्ट कुछ जो मेंबर्स है जैसे कि स्नेल्स है उनमें पाई जाती है, सब में नहीं, ठीक है। विसरल मास यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो विसरल टर्म होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है। तीन जर्म लेयर्स इसमें पाई जाती है विद अ सीरोम यानी कि कैविटी, बायलिटरल सिमेट्री होती है इनकी। और नेक्स्ट है इनके एग्जाम्पल्स हैं स्नेल्स, क्लैम्स, ऑक्टोपस, स्लग्स, ऑयस्टर, स्क्विड और काइटन्स, ठीक है। ट्रू सीलोम इनकी होती है यानी जो कैविटी होती है वो ट्रू कैविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है फाइलम एकाइनोडर्मेटा, तो स्टार फिश, सैंड डॉलर, सी सी क्यूकम्बर, सी आर्चिन, ये सारे होते हैं एकाइनोडर्मेट्स के, ठीक है। हैबिटेट इनका कैसा होता है, तो मैराइन हैबिटेट होता है यानी समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं, ठीक है। और इनको अगर वॉश कर दे तो इनको जनरली ये पानी के साथ बहा के किनारे पे भी आ जाते हैं। एक्सोस्केलेटन इनका होता है एकाइनोडर्म्स का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो इनके ट्यूब फीट होते हैं, स्मॉल गिल्स होते हैं जिनके द्वारा ये रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। लोकोमोशन इनका स्पेशल सिस्टम होता है लोकोमोशन का, जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। और ब्रांच जो इनके ट्यूब फीट होते हैं ये अलाउ करते हैं इनको मूवमेंट के द्वारा, मूवमेंट करने के लिए। हार्ट, तो इनके पास कोई ट्रू हार्ट नहीं होता, लेकिन एकाइनोडर्मस के पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऑर्टिकार्च के जब हार्ट है तो इनके पास जब ट्रू हार्ट नहीं है तो ऑर्टिकार्चिस भी नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बट ए सेक्सुअली भी यूज़ करते हैं, लेकिन रेयर केस में ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटी हेलमेंथीस के बारे में, तो फ्लैट वर्म्स को हम प्लेटी हेलमेंथीस के नाम से जानते हैं। इनका हैबिटेट कैसा होता है, सैंड्स में रहना पसंद करते हैं, नियर पॉन्ड, लेक, रिवर्स यानी जो जो स्टेशनरी जो बॉडीज़ होती हैं वाटर बॉडीज़, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जनरली जहाँ पे पानी पाया जाता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन, तो इनके पास कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो स्किन के द्वारा रेस्पायर करते हैं, ब्रीद करते हैं। और मॉइस्ट, तो इनकी जहाँ जगह पाई जाती है क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो मॉइस्ट जगह रहना प्रेफर करते हैं। लोकोमोशन जो होता है वो टू वेज के द्वारा होता है। फर्स्ट वे इज़ बाय सीलिया यानी इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसके द्वारा मूव करते हैं पानी के अंदर। और जहाँ पे भी जो सेकंड इनका मूवमेंट होता है वो मसल मूवमेंट के द्वारा होता है, ठीक है, बाय ट्विस्ट और टर्न्स। हर्ट इनके अंदर, तो इनके पास कोई हर्ट नहीं होता, और हर्ट नहीं है तो आर्टिकार्ड्स भी नहीं पाई जाती। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअली और सेक्सुअल दोनों। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इनकी जो बॉडी होती है इनके अंदर वो ई सीरोमेट और बायलेटरल सिमेट्री होती है। हैबिटेट इनका एक्वाटिक होता है। न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और फीड करते हैं किसी के ब्लड पे भी, जैसे कि लीचेज होती हैं। और दूसरी चीज़ है कि इंटेस्टाइन में भी ये सब रहते हैं। और इनका फीडिंग जो होता है, जैसे कि प्लेनेरिया है, वो फेरिंग्स के अंदर भी, माउथ में भी एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल्स ट्यूबरेलिया, ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा। नेक्स्ट पे बात करते हैं नीमाटोडा, तो नीमाटोड्स को जैसे कि राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है। इनका हैबिटेट क्या होता है, जनरली ये हर जगह गंदगी में पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन, तो जो नीमाटोड्स होते हैं उनकी जो एक्सो इट इज़ इनकी बॉडी में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो ना के बराबर होता है। क्यूटिकल होती है, जो क्यूटिकल मीन्स होता है आउटर कवरिंग, जैसे ह्यूमंस में एक्सोस्केलेटन एंडोड एक्सोडर्मिस होता है, उसी तरीके से क्यूटिकल भी पाए जाते हैं। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है, क्यूटिकल मीन्स वो आउटर कवरिंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, तो ऑक्सीजन कम्स थ्रू द क्यूटिकल यानी जो आउटर कवरिंग है इनकी, आउटर कवरिंग, वहाँ से इनको ऑक्सीजन मिलती है। लोकोमोशन होता है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर मसल, जैसे केचुए मूव करते हैं उसकी तरह ये मूव करते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स और इंटरनल प्रेशर ऑफ द बॉडी दैट कॉज टू फ्लैक्स इंस्टेड ऑफ बींग फ्लैट। हार्ट इनका कैसा होता है, इनके पास कोई भी हार्ट नहीं होता और इस वजह से आर्टिकार्स भी नहीं होती, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये सेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए तो द फर्टिलाइजेशन इंटरनली आफ्टर द होस्ट इज डेड, फर्टिलाइजेशन तब होती है जब होस्ट डेड हो जाता है या फिर उसके बाद वो डुप्लीकेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एनिलिडा की बात करते हैं। एनिलिडा जो होते हैं सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं या लीचेस होती हैं। हैबिटेट इनका कैसा हो, तो जनरली फ्रेश वाटर में रहते हैं, सॉल्ट वाटर यानी कि सैलाइन में और या फिर मडी सॉइल्स में रहते हैं। एक्सोस्केलेटन, तो इनके पास कोई भी एक्सोस्केलेटन यानी कि बॉडी का फ्रेम वर्क नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है।
रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनकी स्किन होती है, और लोकोमोशन एनिलिड्स हैव टू मसल्स दैट हेल्प देम टू मूव। इनके पास दो मसल्स होती हैं, वन ऑफ द मसल एक्सपैंड एंड द अदर वन कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ द ऑर्गेनिजम्स टू मूव। यानी एक मसल ऐसे सिकुड़ती है और दूसरी जो है फैलती है, तो इससे क्या होता है, मूवमेंट होता है। दे आर फाइव हर्ट्स इन द एनिलिड्स। एनिलिड्स के पास पाँच हर्ट दिल होते हैं, और एनिलिड के पास फाइव पेयर्स ऑफ ऑर्टिक आर्चेस होती हैं फॉर्मिंग द हार्ट। ठीक। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पाई जाती है। नेक्स्ट है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसमें इंसेक्ट, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, मिलीपीड्स और क्रस्टेशियंस सारे पाए जाते हैं। हैबिटेट, तो इनका हैबिटेट ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन ये फ्रीजिंग और कोल्ड टेम्परेचर से लेकर डेजर्ट हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे भी। एक्सोस्केलेटन इनका हार्ड और प्रोटेक्टिव होता है और वाटर प्रूफ भी होता है, जिससे ये टफेस्ट हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कई कई बार काइटिन, काइटिन वो आपका कंपोनेंट है, वो केमिकल है जो जनरली फंजाई में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी आपके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइटिन जो है और किस फाइलम में पाया जाता है एनिमेलिया के, तो वो है ऑर्थोपोडा। ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो इनका ऑर्थोपोडा के पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता। ठीक है, बिकॉज दे आर सो स्मॉल, और द इनके पास जो ब्रेन होता है और नर्व कॉर्ड होते हैं और गैंगलिया होता है। ठीक। नेक्स्ट है अगर रेस्पिरेशन की बात करी जाए गाइस, तो इनके पास स्पेशल ओपनिंग होती है इनकी आइज़ के पास, जिसके द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन ऐसे कोई गिल्स या फिर स्किन के द्वारा सांस नहीं लेते। लोकोमोशन, तो इनकी जो वॉकिंग होती है, स्विमिंग, सब कुछ बेस्ट होती है, क्योंकि इनके पास सिक्स पेयर्स ऑफ जनरली लेग्स पाए या फीट पाए जाते हैं, लेकिन कई एनिमल्स में चीज़ देखने को नहीं मिलती। हार्ट, इनके पास एक हार्ट होता है, आर्टिक आर्च भी होती है। ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका होता है सेक्सुअली, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन सम केसेस में लाइक क्रैब्स दे कैरी एग्स दैट आर अटैच टू देयर एब्डोमेन, और बाहर ही जाके इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो गाइस यहाँ तक था हमारा आज का वीडियो, और यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट जो फाइलम्स हैं उनके बारे में स्टडी किया। तो ये आज हमने पढ़ा इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी आने आने मेलिया के पार्ट टू में, वहाँ हम कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इनअप्रोप्रिएट लग रही है, यूजलेस लग रही है, तो प्लीज़ आप बहुत ही मर्यादित वे में अपने कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं। और अगर गाइस ऐसी वीडियो जो अगर आपको अच्छी लगती है, आप ऐसे और चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और देखना, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टारगेटेड वन को, और प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन बेल, जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।